हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम ये प्यारी सी ड्रेस और पग बनाना आपको बताएंगे और बहुत सुंदर ये ड्रेस बनके तैयार हुई है। जैसे आप देख रहे हो बहुत प्यारी लग रही है और इसमें बहुत सुंदर देखिए ये पग तैयार हुई है और मैचिंग की मैंने पग बनाई है। और ये लेयर वाली देखिए फ्लावर वाली लोटस फ्लावर बिल्कुल भगवान जी जैसे लगेगा बीच में बैठे हुए फ्लावर के। तो ये देखिए फ्लावर वाली पूरी ड्रेस बनके तैयार हुई है, बहुत ही सुंदर घेर वाली ड्रेस कंप्लीट हुई है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा जैसे आपको न्यू ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए आज हम ये लड्डू गोपाल की बसंत पंचमी स्पेशल ड्रेस बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये चोली बना ली है और ये घेर बना लिया है। घेर का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और चोली का भी डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो। और ये बहुत आसान से घेर बन जाता है। और मैंने अभी मकर संक्रांति स्पेशल मैंने जो ड्रेस डाली थी उसमें लड्डू गोपाल की डाली थी, तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, उसमें मैंने ये घेर डिटेल में बताया है कैसे ये घेर बनेगा। तो सेम वही प्रोसेस से मैंने ये घेर पहले कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें मैंने 6 राउंड किया है और पहले मैंने नॉर्मल डबल क्रोशिया किया है और उसके बाद 6 राउंड ये फ्रंट पोस्ट करके हमने ये राउंड कंप्लीट किया है। अब हम इसमें ग्रीन ऐड करेंगे, तो मैंने ये थ्रेड यहाँ कट करके यहाँ इसको सेव यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने के बाद अब देखिए हम पहले 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम डबल क्रोशिया 6 टाइम बनाएंगे। तो ये जो चेन है ये 1 टाइम एक काउंट होगी, तो हम 1, 2, 3 and 4, 5, 7 टाइम्स हमने ये डबल क्रोशिया देखिए बना लिए। अब हम 1 स्किप करेंगे जो फ्रंट पोस्ट है और 1, 2, 3 and 4, ठीक है। और 4 करने के बाद अब देखिए हम 1 स्किप करेंगे और ये फ्रंट पोस्ट 1 स्किप करेंगे और यहाँ आना है, यहाँ हमें सिंगल क्रोशिया 1 टाइम बनानी है, 1 चेन फिर सिंगल क्रोशिया 1 टाइम। तो ये इस तरह से ये बनेगा। फिर हम फिर से ये 1 फ्रंट पोस्ट स्किप करेंगे, 1, 2, 3, 4 करने के बाद यहाँ से हम फिर से डबल क्रोशिया 7 टाइम बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 7 बनाने के बाद 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन 4 चेन बनाने के बाद 1 स्किप करेंगे और यहाँ वर्क करना है, तो यहाँ हमें सिंगल क्रोशिया 1 टाइम बनानी है, फिर 1 चेन फिर सिंगल क्रोशिया उसी चेन में 1 टाइम बनानी है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। और फिर हम 1 स्किप करेंगे, 1, 2, 3 and 4 4 करने के बाद यहाँ आना है, 1 स्किप करना है और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया 7 टाइम्स कर लेंगे, 1 टाइम 2 टाइम
थ्री टाइम डबल क्रोशिया, फोर टाइम डबल क्रोशिया, सिक्स टाइम डबल क्रोशिया और सेवन टाइम डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से ये कंप्लीट होगा और ये मेरा कुछ इस तरह से ही आ रहा है और ऐसे हम ये वर्क कंप्लीट कर लेते हैं हम अब। तो देखिए मैंने चेन बना ली, अब यहाँ पे हम ले जाके इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ हम ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद अब हम देखिए वन टू एंड थ्री, थ्री चेन लेंगे और थ्री चेन लेने के बाद यहाँ पे पहले हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन टू थ्री बना लिए, थ्री बनाने के बाद यहाँ पे हम पहले डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर वन टू, टू बनाने के बाद फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया टू टाइम, फिर वन टू, टू चेन लेंगे, वन टू, टू चेन लेंगे और फिर डबल क्रोशिया टू टाइम। तो जो मेरी सेवन थी, सेवन में मेरी ये फोर्टीन डबल क्रोशिया होंगी। तो ये इस तरह से ये बनेंगी, टू डबल क्रोशिया फिर टू चेन, फिर डबल क्रोशिया टू चेन, फिर टू डबल क्रोशिया टू चेन, वन टू थ्री फोर, वन टू, टू डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, वन टू, टू डबल क्रोशिया, फिर यहाँ वन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब क्रोशिया सिंगल क्रोशिया की थी, वहाँ हमें डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया टू टाइम, वन टू थ्री, थ्री टाइम हमने डबल क्रोश चेन बनाया, फिर इसी में हम फिर से डबल क्रोशिया टू टाइम कर लेंगे। वन तो देखिए कुछ इस तरह से है। फिर हम यहाँ पे हमें आना है तो हम यहाँ चेन नहीं बनाएंगे, सीधे हम डायरेक्ट यहाँ आएंगे और यहाँ हम डबल क्रोशिया टू टाइम, डबल क्रोशिया करने का वन टू चेन, फिर टू डबल क्रोशिया, वन टू, देखिए कुछ इस तरह से ही बनेगा। हमने जो चेन है वहां पे हमें टू डबल क्रोशिया टू टाइम करना है।
टू चेन लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सेवन में हमें सेवन ये ऐसे बनाने हैं, लेकिन डबल बार बनाने हैं क्योंकि इसमें मेरे तो 14 हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम चेन लेंगे, वन टू, टू चेन लेने के बाद फिर हम इसमें डबल क्रोशिया तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा, और फिर सीधे डायरेक्ट हमें यहाँ पे आना है, तो लूप लेंगे, लूप लेके यहाँ पे हम पहले डबल क्रोशिया, वन टू थ्री, थ्री चेन डबल क्रोशिया टू टाइम, तो कुछ इस तरह से ये देखिए बनेगा। हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया टू टाइम किया है, फिर टू चेन लिया है, फिर डबल क्रोशिया टू टाइम किया है, फिर डबल चेन लिया है टू टाइम, फिर डबल क्रोशिया टू टाइम, तो ये मैंने सेवन इसमें बनाए थे नीचे डबल क्रोशिया, उसी में सेवन में डबल डबल बार मेरे, तो ये मेरे 14 इस राउंड में हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने सिंगल स्टिच टू टाइम की थी, तो यहाँ पर सिंगल स्टिच वन टाइम, फिर चेन, फिर सिंगल स्टिच की थी, यहाँ डबल क्रोशिया डबल बार, फिर थ्री चेन, फिर डबल क्रोशिया, तो ऐसे करके राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हम वर्क के एंड पे आ गए, अब हम इसको यहाँ ले जाके ज्वाइन कर देंगे। अब ज्वाइन करने के बाद तो देखिए रेड हम ये जो हमने डबल डबल बनाई थी डबल क्रोशिया यहीं पे हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, और ग्रीन हम ले के साथ तो ये देखिए हम ऐसे करके हमने ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम ऐसे चेन बना लेंगे थ्री, और थ्री चेन बनाने के बाद लूप लेंगे, और लूप लेके यहाँ वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव बनाने के बाद सबको एक साथ निकाल देना है, और फिर ऐसे करके ज्वाइन कर देना है, फिर वन चेन लेना है, वन चेन लेने के बाद फिर हम देखिए जस्ट इधर आएंगे, जो हमने टू बनाई उसके बीच में जो चेन बनाई थी वहाँ आएंगे, और फिर वहाँ पे वन टू ऊपर से लूप लेना है, और नीचे चेन में जा कर के लूप लेना है, थ्री फोर ऊपर फिर नीचे फाइव, तो फाइव बार हमें लेना है, और फाइव बार लेने के बाद अब देखिए हम सबको एक साथ निकाल देंगे, और निकालने के बाद फिर से ज्वाइन करेंगे और वन चेन लेंगे। ठीक है, और फिर से हम ये टू स्किप करेंगे, और ये जो चेन है यहाँ पे हमें आना है, और यहाँ पे फिर से हम वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव टाइम बनाने के बाद हम पूरी को एक साथ निकाल देंगे और यहाँ ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ये मेरे फ्लावर का शेप आएगा। अब हम जस्ट इसके बगल वाले में आएंगे चेन में, यहाँ फिर से फाइव टाइम हम बनाएंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव टाइम बनाने के बाद सबको एक साथ हम निकाल देंगे और यहाँ ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए ऐसे करने के बाद अब फिर से वन चेन लेंगे, और वन चेन लेने के बाद हम फिर से इस चेन में जाएंगे, तो हमें ये जो हमने डबल डबल क्रोशिया बनाई थी उसके बीच में हमें जाना है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव टाइम बनाने के बाद सबको एक साथ निकाल देना है, और फिर हम इसको ज्वाइन कर देंगे, वन चेन लेंगे, और वन चेन लेने के बाद फिर लूप लेंगे, और लूप लेके यहाँ वन टू,
तो हमें लंबा लंबा खींचना है। फिर से दिखा दे रहे हैं, ये थोड़ा ढीला रखेंगे, लूप लेंगे, लूप लेके 1 2 3 4 5। तो एक बार हमें ऊपर हुक से लेना है, एक बार यहाँ चेन के अंदर से लेना है लूप, और सबको ले जा करके हमें यहाँ ज्वाइन कर देना है। फिर हम यहाँ पे चेन बनाएंगे और फिर हम ये ग्रीन ले लेंगे और ग्रीन को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद अब हम ये रेड लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब रेड भी हमें लेके चलना है। अब सबसे पहले हम ये जो हमने डबल क्रोशिया चेन फिर डबल क्रोशिया डबल बार बनाई थी, तो हम पहले डबल क्रोशिया में जाएंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया 1 टाइम बना लेंगे। तो 1 टाइम डबल क्रोशिया, 2 टाइम डबल क्रोशिया, 3 टाइम डबल क्रोशिया, 3 टाइम बना लिया, 1 2 2 चेन बनाया। फिर इसी में 1 टाइम डबल क्रोशिया, 2 टाइम डबल क्रोशिया, 3 टाइम डबल क्रोशिया। तो 3 टाइम हम इस वाले चेन में जाके हमें बनाना है। एक बार हमें इस जो डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है और बीच में 2 बार बनाना है। बीच में 2 चेन लेना है, फिर 2 बार बनाना है डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। बनाने के बाद अब देखिए फिर से हम रेड लेंगे और रेड हम लेंगे और रेड को हम लूप में ऐसे ले करके पहले ऐसे चेन में ले लेंगे। अब हमें फिर से लूप लेना है और फिर यहाँ पर आ जाना है। तो फिर से हम फ्लावर, ये जो फ्लावर है यहाँ आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 टाइम बनाने के बाद सबको एक साथ हमें निकालना है और यहाँ ज्वाइन कर देना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे ये बनेंगे पेटल। तो हम फिर से हम चेन लेंगे, चेन लेने के बाद अब देखिए 2 स्किप करेंगे डबल क्रोशिया, चेन में आएंगे और ये हम थ्रेड को ऐसे ही लेंगे, ये हमारे वर्क के साथ चलेगा, ठीक है। तो 1 डबल क्रोशिया, 2 बार, फिर 1 ऊपर 1 नीचे, 3 4 एंड 5। फाइव टाइम बनाने के बाद अब हम सबको एक साथ निकाल देना है और एक साथ निकालने के बाद ज्वाइन करेंगे, 1 चेन लेंगे और 1 चेन लेने के बाद फिर यहाँ आएंगे और यहाँ फिर से 1 2 3 4 5। 5 टाइम बनाने के बाद सबको एक साथ निकाल देंगे और एक साथ निकालने के बाद फिर से हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से आएगा। फिर हम डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और चेन में आएंगे, यहाँ 1 2 3 4 एंड 5। 5 टाइम बनाने के बाद सबको एक साथ निकाल देना है और ऐसे ज्वाइन कर देंगे, 1 चेन लेंगे और फिर लूप लेंगे, लूप लेके फिर से हम ये हम स्किप करेंगे। तो जहाँ चेन है यहाँ पे आना है, जहाँ हमने डबल बार जब चेन बनाई थी, तो 1 2 3। तो इस उंगली से हमें इसको पकड़े रहना है, जैसे मेरा ये ढील निकले नहीं, 4 एंड 5। 5 टाइम बनाने के बाद सबको हम एक साथ निकाल देंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब फिर से हम यहाँ आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। 5 टाइम बनाने के बाद सबको हम एक साथ निकाल के ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से मेरे ये पेटल के, फ्लावर के पेटल तैयार हो गए। अब देखिए फिर से हम ग्रीन ऐड करेंगे, तो हम रेड को इस हटा देंगे और ग्रीन इसमें लगा लेंगे और इसको रेड को खींच देंगे। अब हम ग्रीन से वर्क करेंगे, फिर हम लूप लेंगे और लूप लेके पहले हम
जो डबल क्रोशिया मिड में है यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया वन टाइम बनाएंगे, फिर मिड में बनाएंगे वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, और टू डबल क्रोशिया बनाने के बाद वन टू टू चेन, फिर वन डबल क्रोशिया, फिर वन डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया चेन में बनेगी। तो ऐसा करके हमें राउंड कंप्लीट करना है। और ये जो थ्रेड है ये हमारे वर्क के साथ चलेंगे, जैसे ये पीछे ना जाए और कट भी नहीं करना है। ये हम फिर रेड हम लेंगे और रेड से फिर से हम वर्क चालू करेंगे। तो हमें हर डबल क्रोशिया में ऐसे करके ये देखिए हमें ऐसे करके ये पेटल तैयार कर लेना है। तो ऐसे करके हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। वन चेन लिया और फिर हम इस वाले में पहले हम ये पेटल बना लेते हैं। वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव टाइम बनाने के बाद अब हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। फिर वन चेन लेंगे और वन चेन लेने के बाद अब देखिए फिर हम इस वाले में जाएंगे। वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव टाइम बनाने के बाद ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब हम वन चेन लेंगे और वन चेन लेने के बाद फिर हम लास्ट वाले में बना लेंगे। वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव टाइम बनाने के बाद ज्वाइन करेंगे और इसको और रेड से हम यहाँ मिड में आएंगे। अब ग्रीन हम नहीं पीछे लेंगे और यहाँ रेड में हम ले जाके ज्वाइन कर देंगे। तो पहले हम यहाँ पे वन चेन बनाएंगे, वन फिर वन चेन, फिर सिंगल स्टिच वन बार, वन टू टाइम बना लिया। अब लूप लेंगे और लूप लेके हमें यहाँ आना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ ले जाके इसको ज्वाइन करना है। तो पहले वन चेन लेंगे और यहाँ ले जाके ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए थ्री चेन लेने के बाद अब हम इसमें हाफ क्रोशिया में बनाना है। तो वन टाइम हाफ क्रोशिया, टू टाइम हाफ क्रोशिया और थ्री टाइम हाफ क्रोशिया। हम लूप लेकर के हमें थ्री का वन करना है। तो हम ये थ्री टाइम हो गया और ये फोर टाइम हाफ क्रोशिया हमने बनाया। वन टू, टू चेन लेके इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे, उसी में करना है जहाँ हमने ये पेटल बनाया है, तो इसी में हमने कर दिया। जस्ट उसके बगल में आएंगे और यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे पहले, और ज्वाइन करने के बाद टू चेन लेंगे। टू चेन लेने के बाद यहाँ से ऐसे लूप लेंगे, हाफ क्रोशिया बनाएंगे वन टाइम, फिर हाफ क्रोशिया टू टाइम, फिर हाफ क्रोशिया थ्री टाइम एंड हाफ क्रोशिया फोर टाइम। फोर टाइम बनाने के बाद वन टू, टू चेन लेंगे और इसी में जाएंगे और यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और फिर हम जस्ट हमें इसको स्किप करना है और इस चेन में आना है। यहाँ पे हम पहले इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद वन टू, टू चेन लेंगे। टू चेन लेने के बाद ऐसे लंबा लंबा हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। वन टाइम हाफ क्रोशिया, टू टाइम हाफ क्रोशिया, थ्री टाइम हाफ क्रोशिया, फोर टाइम हाफ क्रोशिया। हाफ क्रोशिया बनाने के बाद वन टू, टू चेन लेंगे और इसी होल में जाएंगे और यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पे आएंगे, ये जो पेटल बनाए हैं इसके बैच में हमें आना है
और यहाँ ज्वाइन करना है और फिर वन टू टू चेन बनाने के बाद वन हाफ क्रोशिया, फिर टू हाफ क्रोशिया, फिर थ्री हाफ क्रोशिया एंड फोर हाफ क्रोशिया। फोर हाफ क्रोशिया बना ली, वन टू टू चेन बनाया, यहाँ पे ले जा कर के इसको स्लिप स्टिच कर देनी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये मेरे ये आ रहे हैं। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पहले हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करेंगे वन टू, टू चेन लेंगे, टू चेन लेने के बाद हाफ क्रोशिया पहले बनाएंगे, वन टाइम, टू टाइम हाफ क्रोशिया, थ्री टाइम हाफ क्रोशिया और फोर टाइम हाफ क्रोशिया। हाफ क्रोशिया बनाने के बाद अब देखिए हम वन टू टू चेन लेंगे और टू चेन लेने के बाद यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। अब ये देखिए ये ग्रीन का जो मैंने बनाया था लीव्स, यहाँ आएंगे और यहाँ पे हम सिंगल एक क्रोशिया करेंगे, फिर वन चेन लेंगे, फिर यहीं पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये मेरे पेटल आ रहे हैं। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ आएंगे, ये जो चेन बनाया है यहाँ आना है और यहाँ पहले हमें ज्वाइन कर देना है और ज्वाइन करने के बाद अब वन टू टू चेन लेंगे, हाफ क्रोशिया वन टाइम, फिर हाफ क्रोशिया टू टाइम, फिर हाफ क्रोशिया थ्री टाइम, फिर हाफ क्रोशिया फोर टाइम। फोर टाइम बनाने के बाद वन चेन टू चेन और फिर इसी में हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये अपना वर्क कंप्लीट करना है। हमने यहाँ पे हमें इस तरह से ये पेटल बनाने हैं हाफ क्रोशिया से और उसके बाद मिड में हमें यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे करके हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मिड में आना है, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वन चेन लेंगे, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये ऐसे करके हुक डालेंगे और यहाँ बैक आएंगे और बैक से हम वन टू थ्री फोर फोर चेन लेंगे। फिर देखिए हम यहाँ पे बैक में यहाँ आके यहाँ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, फिर वन टू थ्री फोर फोर लेने के बाद फिर हम इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, फिर वन टू थ्री फोर फोर लेने के बाद फिर यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे देखिए बैक में बन रहा है, इसमें फिर से हम पेटल बनाएंगे तो इसलिए ये बन रहा है। फिर वन टू थ्री फोर फोर बनाने के बाद ये ऐसे बैक से हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर वन टू थ्री फोर यहाँ ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद यहाँ आएंगे, यहाँ हम सिंगल क्रोशिया वन टाइम, फिर चेन, फिर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम इसका देखो ऐसे करके लेंगे और यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये मेरे इधर पे यहाँ पे ऐसे बनेगी और यहाँ सिंगल क्रोशिया बनेगी। फिर यहाँ पेटल पे हम ऐसे चेन खींचेंगे, वन टू थ्री फोर फोर लेने के बाद फोर ले लिया, अब यहाँ से हम ये देखिए ऐसे करके बैक से यूँ लूप लेंगे, यहाँ इसको
ज्वाइन कर देंगे वन, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें ऐसे करके देखिए, हम यहाँ पे पीछे हमें ऐसे चेन बना के ये राउंड कंप्लीट करना है। तो हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने वर्क कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ आएंगे, एक बार यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आना है, पहले हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, वन टू थ्री। तो देखिए हमने ये थ्री क्रोशिया बना लिए। थ्री क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पे हमें देखिए, हम डबल क्रोशिया को ट्रिपल बार बनाएंगे। तो हम जैसे थ्री लूप है ये मेरे, तो वन बार निकालना है, टू बार निकालना है और थ्री बार निकालना है। तो ऐसे करके ट्रिपल हो जाएगा। तो हमें ये देखिए, ये मेरा थ्री टाइम हो गया और ये फोर्थ टाइम हमने डबल क्रोशिया ट्रिपल बार बनाया है। अब वन टू एंड थ्री, थ्री चेन लेंगे और इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। उसी में जहाँ पेटल बना रहे थे वहीं स्लिप स्टिच करेंगे, फिर जस्ट उसके बगल में आके स्लिप नॉट लगाएंगे और फिर से यहाँ हम स्टार्ट कर देंगे जहाँ हमने चेन बनाई है। तो थ्री चेन बनाने के बाद फिर लूप ले, डबल क्रोशिया ट्रिपल बार बनाना है हमें। तो हम ऐसे ट्रिपल बार बना लेंगे, फिर देखिए हम लूप लेंगे और लूप लेके हमें फोर बार डबल क्रोशिया ट्रिपल बार बनाना है। फिर हम वन वन टाइम स्टार्ट और लास्ट में हमें थ्री चेन लेने हैं। तो ये मेरी फोर टाइम डबल क्रोशिया ट्रिपल बार हो गई। अब हम चेन लेंगे, वन टू एंड थ्री। थ्री चेन लेने के बाद उसी पैटर्न चेन में जा कर के हमें स्लिप स्टिच कर देनी है। तो ये देखिए इस तरह से ये पैटर्न आ गया। जैसे हम फर्स्ट में कर रहे थे तो उसमें हाफ क्रोशिया हम कर रहे थे और इसमें हम डबल क्रोशिया ट्रिपल बार करके कर रहे हैं। जैसे ये थोड़ी बड़ी पैटर्न बनेगी पीछे की, तो इसलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं। थ्री चेन लेने के बाद देखिए फिर हम इसमें डबल क्रोशिया ट्रिपल बार कर लेंगे। और ट्रिपल बार करने के बाद अब हमें ये फोर्थ टाइम हमें डबल क्रोशिया ट्रिपल बार बनाना है। और बनाने के बाद अब हम चेन लेंगे, वन टू एंड थ्री। थ्री चेन लेने के बाद उसी होल में जाके हमें इसमें स्लिप स्टिच कर देनी है। तो ये मेरी पेटल ऐसे खड़ी खड़ी आएगी और देखिए इस तरह से ये पूरी पेटल तैयार होगी। तो हम ये पूरा हमें जहाँ तक हमने ये मेरे पेटल फ्लावर के पेटल हैं वहाँ तक हमें इसको बनाना है। तो ये देखिए फिर हमें स्लिप स्टिच की जस्ट उसके बगल वाली चेन में, फिर यहाँ पहले हम चेन लेंगे, वन टू थ्री, और उसके बाद हम यहाँ डबल क्रोशिया ट्रिपल बार बनाएंगे। टू थ्री फोर, वन टू थ्री। थ्री चेन लेने के बाद उसी होल में जाके हमें इसमें स्लिप स्टिच कर देनी है। तो ये देखिए ऐसे करके फोर पेटल मेरे तैयार हो गए। अब देखिए हम यहाँ लास्ट वाले में बनाएंगे, तो फाइव पेटल हमें ये बनाने हैं। तो वन पहले हम स्लिप स्टिच कर देंगे जस्ट उसके बगल में आके, और स्लिप स्टिच करने के बाद वन टू थ्री चेन लेंगे। थ्री चेन लेने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया फोर टाइम करना है। टू थ्री फोर, फोर टाइम करने के बाद अब हम वन टू एंड थ्री। थ्री चेन लेने के बाद इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये पेटल तैयार हो गई है। और ये ऐसे करके ये खड़ी खड़ी पेटल आ रही है। तो हमें दोनों साइड स्टार्ट और लास्ट में चेन लेकर के फिर चालू करना है। अब यहाँ पे हम सिंगल स्टिच कर देंगे और फिर से हम चेन में जा कर के फिर से वैसे ही
हम पेटल बना लेंगे। तो ऐसे करके हम वर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने ऐसे करके ये कंप्लीट कर लिया है, और इसको ले जाके हमें यहाँ पे हम करने के बाद, तो देखिए हमने जैसे लास्ट वाली पेटल में चेन बनाया था, तो ऐसे ही हमें इसमें भी पीछे से पेटल में चेन बनाना है। हमें इसमें लीव्स क्योंकि बनानी है, तो पहले हमें इसको, आप या तो ग्रीन से भी बना सकते हो, मैं रेड से ही बना रही हूँ। तो हम इसको बैक से पीछे लेंगे हुक को, और अपने थ्रेड को पीछे ले जाएंगे। अब हम चेन लेंगे 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद अब दूसरी पेटल में जाएंगे, और यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करने के बाद अब देखिए फिर से हम चेन लेंगे 1 2 3 4, और फिर से हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे। तो आप ढीला टाइट जैसे भी हाथ चलाते हो उस हिसाब से चेन ले सकते हो आराम से, जैसे आपके पेटल के बराबर हो जाए 3 4। और 4 बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमें पीछे ले जा कर के हर पेटल में, जितने भी मेरे पेटल हैं उसमें ले जा कर के हमें ज्वाइन करना है। तो ऐसे करके चेन बनानी है, तो हमने चेन बना ली। अब देखिए पेटल के बैक के ले जाएंगे और यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसे करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया है, और ये ले जा कर के हम लास्ट में ऐसे करके यहाँ पे जहाँ मेरा पेटल है वहाँ पे हमें इसे ज्वाइन कर देना है। और अपने रेड को अब हम थ्रेड को कट कर लेंगे, तो इसको हम कट कर लेंगे अब रेड वाले को, और इसको हमें यहाँ ज्वाइन कर लेना है। और ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो हम अगले पार्ट में आपको पग बनाना और पूरा घेर कंप्लीट करना बताएंगे। जय श्री कृष्णा।